से इस वक्त की खबर आ रही है, किसानों की आय और उत्पाद के बढ़ाने के उद्देश्य में कार्यशाला का आयोजन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सदस्य और निजी कंपनियों ने की शिरकत। किसानों को उस तकनीकी कम लागत में उत्पाद को बढ़ाने की दी गई जानकारी। बरहाने ब्लॉक के नेवादा में आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। मैं धनंजय कुमार सिंह हूँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि मंत्रालय भारत सरकार का सदस्य हूँ। आज यहाँ पर किसानों की गोष्ठी की गई है, जिसने भारत सरकार की वो योजनाएं जो FPO के माध्यम से, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार किसानों को दे रही है, उन योजनाओं को कैसे हम लोग आपस में मिलकर के FPO बना करके किसान भाई उसका लाभ उठाएं, इस विषय में जानकारी देने के लिए हम लोग आए थे। हमारे साथ हीरा एनालिटिक्स के भी अधिकारी हैं, जो एक कंपनी है, और ये लोग टेक्नोलॉजी मुहैया करवाते हैं FPOs को। यहाँ पर जितने किसान भाई आए थे, उनकी खेती में लागत कैसे कम हो ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके, और इसके अलावा भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में है वो हमारे गांव तक कैसे पहुँचे, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। लागत कम करने के साथ साथ हमारे जो उत्पाद हैं वो दुनिया भर की मंडियों में कैसे सुविधाजनक रूप से पहुंचाए जा सकते हैं, हमें अधिक से अधिक कीमत कैसे मिलेगी किसानों को, और किसानों को आर्थिक लाभ मिलते हुए उनका जो जीवन स्तर है वो कैसे बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वो पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए। लोगों की धान खरीद की बहुत बड़ी समस्या है, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? लोगों की धान खरीद के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्रय केंद्रों पर, उस विषय में आपको क्या कहना है? क्रय केंद्रों पर जो समस्या है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, और ये समस्या सुलझा ली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा किसानों की धान की खरीदी की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस